नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अंशुल। आईबीसी 24 सड़क सुरक्षा मुहिम प्रेजेंटेड बाय माय होम बिलासपुर एंड सपोर्टेड बाय डीएलएस कॉलेज, केपीएस स्कूल एंड वेंकटेश हीरो। आईबीसी 24 सड़क सुरक्षा मुहिम के तहत आईबीसी 24 का ये प्रयास है कि हम प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में जाकर छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं सिम्स बिलासपुर में, जहां हम इन छात्रों के बीच भाषण कला प्रतियोगिता के द्वारा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सड़क सुरक्षा के प्रति ये छात्र कितने जागरूक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे भाषण प्रतियोगिता को। सड़क सुरक्षा योजना जो बनाए गए हैं, ये नियम हम सभी को फॉलो करना चाहिए। यह एक प्रकार की अवांछनीय दुर्घटना है, कहे जाए तो यह अनहोनी है जो बताकर नहीं आता है। इसके कई कारण हैं, इस पर अगर हम सभी को सावधानी बरतने से इस दुर्घटना से हम बचा जा सकते हैं। ओवरटेक के कारण गाड़ी को इधर उधर घुमा के कई प्रकार के एक दूसरे से गाड़ी में कंपटीशन करते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटना हो जाते हैं। वी आर ऑल हियर फॉर जस्ट बीइंग टेलिंग अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड ऑल। सो इट इज़ बीन अ वेरी नाउडेज इट इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड बाई एनी वन, स्पेशली द यंग यूथ विच आर द फ्यूचर ऑफ अवर इंडिया। दे आर नॉट एट ऑल कॉपरेटिंग विथ एनी वन, स्पेशली द ट्रैफिक पुलिस। इट इज़ बींग वेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स टू कंट्रोल दैम। दे आर राइडिंग द बाइक्स एंड कार्स वेरी वेरी फास्टली, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। तेज गति से मृत्यु होने वाले 48% मृत्यु हो रहे हैं, जो NCBRP का रिपोर्ट है। NCRB रिपोर्ट में है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसमें 48% दुर्घटना की मौत हो रही है वो केवल तेज गति की वजह से हो रही है। दूसरा, नशे में चलाना वाहन। नशे में हम वाहन चलाते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रिया को तुरंत नहीं दे पाते, तुरंत कंट्रोल नहीं कर पाते। साल में 1,76,000 लोग मारे जा रहे हैं। अभी फिलहाल मेरी गाँव की घटना है कि एक युवक 90 की स्पीड से चलाते हुए आ रहा था। वह अपने अकेले कमाने वाला व्यक्ति था अपने घर में। उन्होंने सीधा जाके बैल को टक्कर मार दिया और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अगर हेलमेट पहने रहता तो उसकी जान बच सकती। आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अवांछनीय घटना हमारी सड़क दुर्घटना से होती है। इसमें सबसे पहला कारण ये होता है कि हमारे जो तेज़ गति से चलाने वाले हमारे युवा साथी है, इन लोग की होती है, जो कि अपने कुछ टाइम बचाने के चलते अपनी स्पीड को ना कंट्रोल कर पाने की वजह से ये सब चीज़ का मुख्य कारण होता है। जिसमें आज के रेट में अगर देखा जाए तो एक्सीडेंट की पॉपुलेशन होती है 40%, जो कि सबसे ज़्यादा होती है अपनी तेज़ रफ्तार की गाड़ियों की वजह से। और इन्हीं वजह से समय आने पर गाड़ी की जो कंट्रोल स्थिति है वो कंट्रोल ना कर पाने की वजह से कहीं पे भी जा करके ये किसी दूसरे सामने से आने वाले को या किसी अवांछनीय जगह पर जा करके अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट होती है। मेरा नाम अंकिता पांडे है, मैं समाज कार्य विभाग की स्टूडेंट हूँ और मैं पंडित दशरथ लाल शर्मा महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आप सभी कंफ्यूज होंगे कि पंडित दशरथ लाल शर्मा महाविद्यालय कहाँ पर है। क्या है ना, आजकल सभी लोग शॉर्टकट और जल्दबाजी का ही रास्ता अपनाते हैं। तो मैं बता दूं, मैं DLS कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एक बार की कहानी मैं बता दूं, मेरे साथ ही हुआ था। एक बार एक अंकल सज्जन व्यक्ति, बहुत ही पढ़े लिखे थे, वो फोन आया, शायद फोन कर रहे थे या फोन आया, सड़क किनारे जाग पर खड़े होके गाड़ी स्टैंड करके बात करने लगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि कितने अच्छे शिक्षित व्यक्ति गाड़ी स्टैंड करके बात कर रहे हैं। पर बगल में ही सब्जी का ठेला था, मैं जाके सब्जी ली, तो हुआ यूं कि मैं कान पे आवाज आई, मतलब उनकी बातें सुनी, तो वो ये बात कर रहे थे, भाई आगे चौराहे पे चेकिंग चल रहा है, चलान कट रहा है और मैं दरअसल आज हेलमेट लाना भूल गया, तेरा कोई पहचान क्या है क्या वहाँ। आजकल एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं
और हमें ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए ही बने हैं और हमें उनको फॉलो करना चाहिए, हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। और वैसे हम छोटे बच्चे हैं और हम अभी ड्राइव नहीं कर सकते, इसलिए हम उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हमें हमें ये अवेयरनेस फैलाना होगा। और हमें हम छोटे हैं तो हम अंडर एज हैं, और आजकल लोग बच्चे स्पेशली स्कूल के हमारे जैसे पीयर प्रेशर में आके या फ्रेंड्स के देख के यूट्यूब से सोशल मीडिया से गाड़ी चलाना सीखते हैं और वो सब प्रैक्टिस करते हैं, और ये बहुत अनसेफ है। और आप अंडर एज हैं तो आप प्लीज़ ड्राइव मत कीजिए। आजकल हमारे बिलासपुर में रिवर व्यू जो बहुत जाना पहचाना है, वहाँ बच्चे बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते हैं जिससे दुर्घटना बहुत बढ़ती रहती है। मैं आप सभी के सामने एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं एक बार रिवर व्यू से जा रहा था, बहुत तेज़ी से चला रहा था जिससे मैं गिर गया था, मुझे चोट भी लगी थी। सो मेरा आप सभी से निवेदन है कि स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड लिमिट को क्रॉस कर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। Here I want to depict one more topic which is very important, that is road raging. You all may have heard about road raging before. It is a topic, it is a consequence that happens with many innocents. People who are driving very safely, very nicely, they are also punished by the people who are very powerful because of a minor scratch in their bikes or their cars. People who are powerful, who have money, they think that they are very successful, they can do anything, whatever they want, and that's why they punish the innocents. Follow all the road safety tips and wear helmet, and of course drive or ride in slow speed. Be smart, be intelligent, and be a responsible citizen. And today I'm standing in front of you to speak few points about what is the basic problem of our country, because of which these accidents are getting increasing day by day. We are seeing that most of the people in India, 75% of people, they're literate. But what is the main cause of these accidents? Even if we are literate, we can't follow the rules. The rules, they have been made for us. We are not enough aware. There is a lack of awareness. So what we should do, even if, suppose I'm a parent, it's my responsibility to at least teach my child that before the age of 18, he or she shouldn't drive, shouldn't drink, should wear a helmet, even if he's driving or she's driving. So I think the best way to stop these accidents is, first is to create awareness, and I'm very thankful to this association that they are organizing such events to create awareness. We are the future. तो चलिए अगले सेशन में बढ़ते हैं, और ये सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस सेशन के जरिए बच्चे हमारे एक्सपर्ट से, हमारे अतिथियों से सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे अनपढ़ लोग हैं इंडिया में, और कई लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी कई बार कई लापरवाही करते हैं। और सर, बहुत सारे लोगों को इन सब के बारे में तो पता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, लेकिन सर लोग मोस्टली अपर जो लाइट होती है उसको ऑन करते हैं बजाय डिपर के, और जिससे जो सामने वाला आने वाला इंसान होता है उसके वो लाइट आँख में चुभती है, जिसके कारण उसे परेशानी होती है गाड़ी चलाने में, और जिसके कारण कई बार एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोटर व्हीकल एक्ट में ये रूल्स हैं, तो जब आप लाइसेंस के लिए जाते हैं तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो आरटीओ होते हैं और आरटीओ के इंस्पेक्टर्स होते हैं उनके, वो आपसे ये प्रश्न पूछते हैं। जब मुझे याद है, मैं जब अपने लाइसेंस के लिए गया था तो ऐसे प्रश्न का कि आप राइट में आए तो राइट में किस तरह का सिग्नल देंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे तो लेफ्ट टर्न में हाथ का किस तरह का सिग्नल देंगे, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक इस पर भी अवेयरनेस हमको करनी है, और ख़ासकर बड़ी गाड़ियों को, क्योंकि जब वो चलते हैं वो कई बार अपने मदमस्त होकर के चलते हैं और वो अपर डिपर का ध्यान नहीं करते हैं, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड रेज। मेरा सवाल सर से ये है कि ट्रैफिक पुलिस तो हर जगह होती है जहाँ पर ज़रूरत होती है,
तो क्या हाईवेज पे ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है? और है तो अभी तक ट्रैफिक पुलिस वहां पर क्यों नहीं है? हाईवेज पर ऐसे चूंकि वहां पर इंटरसेक्शंस को या तो उन्होंने फ्लाईओवर्स बना करके रखे हैं, तो हर जगह हाईवे पे आप ट्रैफिक पुलिस नहीं रख सकते, एंड ट्रैफिक पुलिस को एक लिमिटेड इसमें ही हम दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले एक बिल, एक लॉ लाया था, गुड सैमरिटन लॉ, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने यहाँ बिलासपुर के वासी हैं और हमारे चैनल के द्वारा लोग ये जानने पाएँ कि गुड सैमरिटन लॉ आखिर होता क्या है और उससे हमें क्या फ़ायदा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स लाए हैं कि आपको ये परेशानी नहीं करनी पड़ेगी, आप सबसे पहले उस आदमी की उसकी मदद करिए। इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको ऐसे समय से मदद करके उसकी जान को हम बचा पाएँ। तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे आप लोगों के माध्यम से ऐसे सब तरफ जाएं, और कृपया जो कोई अगर परेशान है, कोई अगर तकलीफ में है, तो उसकी तत्काल मदद करिए। ये भय नहीं करिए कि पुलिस हमको इस मदद करने के कारण परेशान करेगी, अब हम कोई केस में हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब इंतज़ार ख़त्म करते हैं और चलते हैं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर। और भाषण कला प्रतियोगिता यानी कि स्पीच कंपटीशन में जो सेकंड है उनका नाम है अंकिता पांडे। और स्पीच कंपटीशन में जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है, जो फर्स्ट है, उनका नाम है डी खुशी। देखा आपने कि इन बच्चों ने किस तरीके से बढ़ चढ़कर आईबीसी 24 के इस मुहिम में हिस्सा लिया। हमारी आपसे यही कामना है कि आप भी सजग रहें और सुरक्षित रहें और इसी तरीके से आईबीसी 24 की इस मुहिम का हिस्सा बने। हमें दीजिए इजाजत, हम फिर अगली बार मिलेंगे, फिर किसी ऐसी ही स्कूल में जहां हम छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का काम निरंतर करते रहेंगे। नमस्कार।